स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. दिस वन टू शेयर द स्क्रीन. सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर. हाँ जी सर. चलिए ठीक है बेटा, अपने अभी माइक म्यूट कर लेना. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके जीजीयूआई से. और सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूं जैसे टू ऑटो कैड की फुल फॉर्म क्या है. दैट इज फुल फॉर्म ऑफ ऑटो कैड, ऑटो ऑफ ए लोगो ऑफ ऑटोडेस्क कंपनी एंड कैड स्टैंड फॉर ए कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग. ड्राफ्टिंग स्टैंड फॉर ए 2D एंड डिजाइनिंग स्टैंड फॉर ए 3D. और उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि दिस वन टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन है, दैट इज 2021 के 2021 पढ़ी है ना. प्लीज बेटा आप अपना माइक ऑफ कर देना. सर दस्यो कि वर्जन केड़ा. बेटा मैंने वो कहा कि आपका जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 2021 है. आप चाहे 70 पे काम करे हो, 18 पे काम करो, सभी में सिमिलैरिटी है, लेकिन जो इसका भी लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 2021 है. ठीक है, अब सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में बात करूंगा, दैट इज GUI. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं अपने न्यू पे क्लिक करता हूँ तो वहां पे मेरे पास एक पैलेट ओपन हो जाता है. सबसे पहले जो ऊपर वाला एलिमेंट है, दिस वन एलिमेंट, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं दैट इज ए टाइटल बार. दिस कॉल्ड इज ए टाइटल बार. ठीक है, आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी अपने साथ रखो, इन चीजों को नोट कर सकते हो कि कौन सी चीजों को क्या हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस वन टू टाइटल बॉक्स हम कहते हैं या टाइटल बार कहते हैं. दिस वन जो आपका बड़ा सा ये दिख रहा है, दिस कॉल्ड इज ए एप्लीकेशन मेन्यू बार. एप्लीकेशन मेन्यू बार, दिस वन इज कॉल्ड ए क्विक एक्सेस मेन्यू बार. दिस वन हाईलाइट टू क्विक एक्सेस मेन्यू बार. और इस पूरे पैनल को हम बोलते हैं दैट कॉल्ड इज ए रिबन. इस पूरे हम पैनल को बोलते हैं दिस वन इज रिबन. और इसी तरह से इन रिबन के आगे फर्दर हमारे पास पैनल है, दिस कॉल्ड इज ए ड्रॉ पैनल. This called is a modify panel. This called is a annotation. Hello. This Hello. Called is a layers, block, properties. This one to group, utility, cupboard, a clipboard and view. This one to further, हमारे पास वहाँ पे panels आते हैं. और इस पूरे element जो आपकी black color की sheet दिख रही है, this called is a graphical sheet, working area, graph, whatever. हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो यहां पे मेरा पूरा का पूरा एलिमेंट का काम होगा. अब नीचे आप देखोगे दिस वन ऑब्जेक्ट, डाउनवर्ड आप देखोगे, यहां पे मेरे पास एक पैलेट दिख रहा है. दिस पैलेट, इस पैलेट को हम कहते हैं दिस वन. यहां पे मेरे पास एक्स वाई, यहां पे जो मेरे पास एलिमेंट दिख रहा है दैट इज एक्स और वाई, इस पैनल को हम कहते हैं दिस ऑब्जेक्ट यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, UCS. दिस कॉल्ड इज अ यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब वहां पे उसको UCS कहते हैं. अब जो नीचे एक पैनल दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन टू पैनल, जिसमें हम अपनी कमांड इनवोक करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं विंडो लाइन. सर फीस दे देती है. इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं दैट इज ए विंडो लाइन. ठीक है, और इस पूरे नीचे जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसके बिल्कुल नीचे जो ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं दिस वर्ड इज ए स्टेटस बार. This called is a status bar. तो ये थी आपकी पहले तो graphical interference के बारे में बताया कि AutoCAD का graphical interference है क्या, किस तरह से interference हमारे पास है. ठीक है, ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले कि हमने आपको बताऊं कि ऑटोकैड जो बेसिकली है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है. लेकिन आपने कहा कि हम जब से ड्राइंग बनाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हम इस पर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑटोकैड है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही समझता है. जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, जीरो और वन.
लेकिन उसके अंदर आप कैलकुलेशन लिखना चाहते हो, वर्ड में कुछ भी टाइप करना चाहते हो, वो ऑटोमेटिक उसकी कोडिंग करते हैं। सेम थिंग जो ऑटोकैड भी है, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही समझता है। ऑलरेडी हमने 10th लेवल तक अपने कोऑर्डिनेट्स के जिसमें आप एक ग्राफ बनाते थे, ग्राफ के अंदर एक्स वाई की वैल्यू फिल करते थे, देन ऑब्जेक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो जाए। आज की जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूं। दिस वन टू फर्स्ट असाइनमेंट मेरी, मैंने कहा मैंने एक ये 50x50 का एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने एक 50x50 का एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करना है। तो वहां पे सबसे पहले, ठीक है, आप पहले बेटा मेरी सारी लेक्चर को सुन ले, आफ्टर द लेक्चर मैं फिर डिस्कशन करूंगा किसको क्या समझ लगा क्या समझ नहीं लगा। मैं इस सब्जेक्ट को बार बार रिपीट भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट करना था विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है ये देखिए। अब मैंने कहा सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या। दिस वन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सिस्टम जिसके द्वारा ऑटोकैड पे ड्राइंग बनाई जाती है, जिसके द्वारा ऑटोकैड में ड्राइंग डेवलप होती है, दिस कॉल्ड इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये नोट कर लेना बेटा। दिस वन टू एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जिसमें रिलेशन यूज किया जाता है एक्स कोमा वाई। और सेकेंड हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है दिसन टू रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिसन टू रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव फॉर द टू टाइप्स, दैट इज अ रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम रिलेशन यूज करते हैं एट द रेट एक्स कोमा वाई। ऑलरेडी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, उस पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एंड सेकेंड एंड सेकेंड जो इसमें मेथड है दैट इज रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम रिलेशन यूज करते हैं एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू एक्स इज टू वाई, वो आपकी एक्स भी हो सकती है और वाई भी हो सकती है। इसके बारे में फर्दर डिस्कस करूंगा। जो हमारे पास थर्ड मेथड है, दिस वन थर्ड मेथड, दिस वन कॉल्ड इज ए पिक एंड गो। पिक एंड गो और डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री, दिस वन टू थर्ड मेथड जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे। अब मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा व्हाट इज द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। नीतीश सैनी जी आप बाद में डिस्कशन कर लेना कि जिसका कैसे है कैसे नहीं है, आप पहले क्लास ले लीजिए, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैंने कहा यह मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम रिलेशन यूज कर रहे हैं एक्स कोमा वाई। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय ओरिजिन। आपने जब ग्राफ पे भी काम किया था तो हम ग्राफ में क्या करते हैं, पहले डिवीजन करते थे, दिस कॉल्ड इज ए एक्स, दिस कॉल्ड इज ए वाई, दिस कॉल्ड इज ए x नेगेटिव एंड दिस कॉल्ड इज ए y नेगेटिव, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ए ओरिजिन। यहां पे मेरी दो तीनों एक्सेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस कॉल्ड इज ए ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या मानते थे, ओरिजिन। यहां से सभी वैल्यू हमारी कंसीडर की जाती थी। ओरिजिन क्या होता है, यहां पे मेरी तीनों डेटम एक्सेस, डेटम एक्सेस मींस x y z इंटरसेक्ट करती हैं, दिस कॉल्ड इज ए ओरिजिन। क्लियर बेटा। अब सबसे पहले मैंने बात करूं कि यदि मैंने इस सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स बनाने होते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले यदि मैंने इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स बनाने, तो सबसे पहले मैं एक ओरिजिन डिसाइड करूंगा कि व्हाट इज माय ओरिजिन। तो मैंने कहा दिस माय टू ओरिजिन, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मेरा ओरिजिन है।
अब उस ओरिजिन के अबाउट अबाउट दिस वन एक्सेस अबाउट दिस वन एक्सेस अबाउट दिस वन एक्सेस अबाउट दिस वन एक्सेस हम ऑब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट करें। तो वहां पे सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पहले तो मैं बताऊं सिस्टम को कि मैंने ऑब्जेक्ट को शुरू कहां से करना है। तो मैंने कहा कि मैंने वहां से शुरू करना है जहां पे मेरी दोनों ही एक्सेस जीरो है। ठीक है, यहां पे मेरी दोनों ही एक्सेस जीरो है। तो मैंने कहा यहीं पे मैंने एक नोट पैड के ऊपर साथ साथ में इसके कोऑर्डिनेट्स बना दूं। तो यहीं पे मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स असाइन किए। ये लीजिए, अब वो सबसे पहले पूछेगा सेट अप द लाइन या ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट वेयर द स्टार्ट पॉइंट। तो मैंने कहा मेरा स्टार्ट पॉइंट कौन सा है। दिस इज स्टार्ट पॉइंट एक्स कोमा वाई। यहां पे मेरी एक्स भी जीरो और कहां से कोऑर्डिनेट क्या हो गया जीरो कोमा जीरो। इट मींस यहां पे जो वैल्यू है दिस वन टू वैल्यू इज जीरो कोमा जीरो जीरो। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर फोर। अब मैंने कहा इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि यहां पे पॉइंट नंबर वन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो मैंने कहा मेरे पॉइंट नंबर वन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बेटा। तो मैंने कहा मैंने कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं अलोंग द एक्स एक्सिस। मैंने कहा 50, 0। इसका मतलब कि मैं यहां से 50, यहां से अलोंग द एक्स एक्सिस मूव हुआ। अब मैंने कहा कि मैंने अलोंग द वाई एक्सिस जाना है। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 50, 50। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है वो ओरिजिन से कंसीडर होगी। आप अपने माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है तो अलोंग द एक्स एक्स अलोंग द वाई एक्सिस। तो मैंने दोनों की वैल्यू वहां फिल कर दी 50, 50। अब मैंने कहा कि मैंने सेकेंड वैल्यू को इंसर्ट करना है। मैं कहा दिस वन टू ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा मैंने थर्ड पॉइंट पे जाना तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 50। क्योंकि इन दिस केस आपकी जो एक्सिस है दैट इज अ जीरो लोकेशन है एट दिस वन टू वाई लोकेशन। तो वहां पे मैंने 0, 50 असाइन कर दिया। अब उसी के साथ मेरे पास जो नेक्स्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए 0, 0। ये लिखो। तो ये मेरे पास फर्स्ट ड्राइंग के कोऑर्डिनेट सेटअप हो गए जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट सेटल किया है दैट इज 0, 0 अगेन 50, 0 अगेन 50, 50 अगेन 0, 50 एंड 0, 0। इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा हम अपनी ऑटोकैड पे इस स्क्वायर बॉक्स को बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि हम अपनी सेकेंड ड्राइंग के ऊपर मैं यदि जाऊं तो मैं पहले अभी मैनुअली ही आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं कोऑर्डिनेट्स बनाने कैसे हो किस तरह से सेटअप करना। तो मैंने कहा मैं अब इसकी सेकंड ड्राइंग पे जाता हूं दिस वन टू सेकंड ड्राइंग। इस ड्राइंग में मैं अपने कोऑर्डिनेट सेटअप करूं तो दिस वन टू कोऑर्डिनेट यहां पे मेरे पास उसने वैल्यू बताई दैट इज 60। एक एल शेप बनानी है दैट इज 20 देन अगेन इज 20 देन अगेन इज 70। तो वहां से मैंने इसके कोऑर्डिनेट के साथ बनाया। मैं कहता दिस पॉइंट ओरिजिन तो इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया। दिस माय टू ओरिजिन तो ये जो मेरा पॉइंट है दिस वन टू माय ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेम। तो मैंने कहां से स्टार्ट करना है एक्स कोमा वाई दैट इज माय कोऑर्डिनेट दैट इज 0, 0, 0, 0। इसका मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है दिस कोऑर्डिनेट इज 0, 0। अब आपने इस पॉइंट पे आना है दिस वन टू पॉइंट। मैं कहा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फोर एंड पॉइंट नंबर फाइव एंड पॉइंट नंबर सेवन सॉरी सिक्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने इस पॉइंट पे आना पॉइंट नंबर वन पे तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे दिस कोऑर्डिनेट इज 60, 0, 0। ये लीजिए 0। अब मैंने कहा पॉइंट नंबर टू पे पहुंचना है आप चले रिचार्ज करे चले गाना बंद।
बेटा आप अपनी वॉल्यूम बंद कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने कहा मैंने इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो पॉइंट नंबर टू पे, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस वन टू अलोंग द एक्स कॉमा 20। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, प्लीज अपने जो मार्कर वगैरह मत चलाइए। ठीक है, तो मैंने कहा यहां से जो मैंने वैल्यू सेटअप करनी है इस ओरिजिन से, ये देखिए, तो मैंने कहा जितनी भी मेरे पास सेगमेंट है, यहां से सभी वैल्यू आपकी ओरिजिन से ही कंसीडर होगी। अब मैंने कहा मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मैं कहा देखो थर्ड कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने कहा मेरे पास थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट के ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे अब मैंने फिर से कहा कि यहाँ पे सभी वैल्यू आपकी ओरिजिन से कंसीडर होगी, तो यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इट मींस आप यदि यहाँ पे एक्स एक्सिस में जा रहे हो, दिस वन टू एक्स एक्सिस, तो ये मेरी एक्सिस क्या होगी 20, तो यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस वन कोऑर्डिनेट इज 20, 20। ये लीजिए, अगेन मैंने कहा इस पॉइंट से फोर नंबर पॉइंट पर जाना है, तो सभी वैल्यू कहां से कंसीडर होगी, ओरिजिन से, इस पॉइंट से, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 20x, वाई कितना है, दैट इज 70। अगेन मैंने कहा मेरे पास इस पॉइंट पे पहुंचना है, देन गो फॉर द ऑब्जेक्ट इज 0, 70। अगेन मैंने कहा लास्ट पॉइंट पे 0, 0, ये मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। प्लीज अब हम इसको ऑटो कैड पे कैसे परफॉर्म करें, ठीक है, कि अब हम इसको ऑटो कैड पे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने ऑटो कैड पे ये कोऑर्डिनेट्स बनाने थे, ठीक है, ये जिन बच्चों ने ये सेटअप किया है इसको रिमूव कर दें। खत्म कहाँ लागे हो गए, ठीक है। अब मैंने कहा मैंने इसको ऑटो कैड पे कैसे ड्रॉ करना है, सेम कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लाइन को इन्वोक करना है, लाइन को इन्वोक करना है, मैं कहा एल एंटर, दैट इज ऑटो कैड की शॉर्टकट की है, दैट इज एल एंटर, एंटर और स्पेस दोनों का काम आपकी कमांड को एक्टिव करना है। आप अपनी कमांड लाइन देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है 90% आपको ऑटो कैड खुद सिखाता है कि आप काम कैसे करोगे। तो जैसे आप इस सेगमेंट पे आते हो तो वहां पे आपको पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्केप कमांड से बाहर आने के लिए आप एस्केप कमांड यूज करोगे, एस्केप फॉर द एग्जिट द कमांड, जूम इन जूम आउट, स्क्रोल के साथ आगे पीछे करोगे जैसे जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, स्क्रोल को दबाकर रखोगे ये आपका पैन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे आप एल एंटर और स्पेस, मैंने लास्ट टाइम बताया कि एंटर और स्पेस दोनों का काम आपकी कमांड को एक्टिव करना है, जैसे आप एल एंटर करते हो आपकी लाइन स्टार्ट हो जाती है, जिससे नीचे आप पढ़ोगे देखोगे दे कॉल्ड इज लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कि आप बताएं कि लाइन का स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, माय फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0। ये ओके कौन रख रहा है बेटा, ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मेरे पास यहां पे जो सेटअप करना था, मैं कहा लाइन लाइन एंटर 0, 0 एंटर। अब आप नीचे पूछोगे, वो पूछा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो वहां पे मेरे पास वो कोऑर्डिनेट फिल करने हैं, मैंने कहा 50, 0। जैसे मैंने 50, 0 सेटल किया वहां पे एक लाइन क्रिएट हो गई। अब मैंने नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सेटअप किया है, प्लीज अपने कर्सर वहां पे मत घुमाए, ठीक है जी, अगेन मैं कह दिस वन टू 50, 50। ये लीजिए,
मेरे पास लाइन सेगमेंट हो गए। अगेन मैं कह 0.50 अगेन 0.0 ये लीजिए, मेरे पास कमांड से बाहर आना दैट ऑलवेज एस्केप, तो मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स रेडी हो गया विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड टूल। ठीक है जी, अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया ये लीजिए। अब मैंने कहा मेरे पास जो सेकंड सेगमेंट था, जो हमने सेकंड सेगमेंट ये बनाया था, इसके कोऑर्डिनेट फिल कर रहा हूं, तो सेम चीज मैंने इसी के कोऑर्डिनेट फिल किया। मैं कहा दिस इज लाइन 0.0 एंटर, अगेन मैं कहा 60.0 एंटर, अगेन मैं कहा दिस इज 60.20, अगेन 20.20, अगेन मैं कहा दिस इज 20.70, अगेन मैं कहा 0.70, अगेन 0.0 ये लीजिए। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप, ये लीजिए, ये हमारे पास उन कोऑर्डिनेट की हेल्प के साथ हमने एक फिगर ड्रॉ कर। ठीक है जी, अब इस मेथड में हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पे सभी वैल्यू आपकी ओरिजिन से कंसीडर होगी। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। हमारे पास जो थर्ड मेथड है, जिसमें थर्ड मेथड सेकेंड मेथड इज ए रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें हम यूज करेंगे रिलेटिव ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम रिलेशन यूज करते हैं एट द रेट एक्स कॉमा वाई। बेटा जो पबजी वाले हैं उनके मैं असाइनमेंट के साइन बताऊंगा, पबजी कौन कर रहा है। ठीक है, लिसन टू रिलेटिव ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हम मेथड कहां पे यूज करते हैं, ये मेथड हम वहां पे यूज करते हैं यहां पे मेरी हमें लीनियर डायमेंशंस गिवन हो। मैंने सेम मेथड लिया, सेम ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ये स्क्वायर बॉक्स बनाना है। अब इसी मेथड का स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगा तो इसमें रिलेशन क्या यूज होंगे, तो दैट्स वन ऑब्जेक्ट। मैंने कहा यदि इसके अंदर मैं रिलेशन यूज करूं, अब ये जरूरी नहीं कि सारी वैल्यू ओरिजिन से कंसिडर करें, दैट माइज ओरिजिन, यहाँ पे मेरी एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो है। लेकिन दिस इज टू डिफिकल्ट टास्क, यदि मैंने नंबर ऑफ ड्राइंग्स बनानी होती तो मेरे को सभी वैल्यू ओरिजिन से ही कंसीडर करनी पड़ती। तो उसके लिए हमारे पास जो सेकंड मेथड है, सबसे इजीएस्ट मेथड है, दैट इज ए रिलेटिव ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम क्या यूज करते हैं, लाइन कमांड देते हैं। अब आपको यहाँ पे एक्स कोमा वाई जीरो डालने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ज्योमेट्रिक एरिया पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, और जैसे आप अपनी ज्योमेट्रिक एरिया पे कहीं पे भी क्लिक करोगे वहां से आपकी लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऑटोकैड इज ए वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो हमें इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उसको बताना पड़ेगा। तो अब यदि मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ 50.0 डाल दूं तो वो देखोगे कि वो आपकी लाइन जो फिर से ओरिजिन से सेटल हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑटोकैड सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही समझता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही समझता है। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे कि मैंने तो सिस्टम को बताने का दिस माइट इज ओरिजिन, अब वहां पे हम टेम्परेरी उस पॉइंट को ओरिजिन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगा, जैसे आप अपना एट द रेट डालते हो, इसलिए मैंने कहा जो सेकंड रिलेशन है एट द रेट एक्स कोमा वाई है। एट द रेट का मीनिंग ये है कि जो आपने पॉइंट पिक किया वो टेम्परेरी आपका ओरिजिन बन गया, नॉट ए परमानेंट। परमानेंट ओरिजिन यही है जो वहां पे एक्स और वाई मीट कर रहे हैं। तो मैंने एट द रेट डाला, इट मीन जो आपका पॉइंट था वो आपका परमानेंट ओरिजिन बन गया। मैं कहा एट द रेट कौन सी वैल्यू डालनी थी, मैं कहा 50.0 ये लीजिए, ये आपका 50.0 सेटअप हो गया। इसी के साथ मैं एक सेटअप करूं कि हम जो रिलेटिव ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस वन टू रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन टू दैट माइज द रीजन, इसमें हम जो एक्स एक्सिस एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव इन डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। दिस वन टू ऑल द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट राइट साइड इज कॉल्ड ए पॉजिटिव वैल्यू, अपवर्ड इज ए पॉजिटिव वैल्यू, अलोंग द लेफ्ट साइड इज ए नेगेटिव वैल्यू, अलोंग द डाउनवर्ड इज ए नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पे हम अपनी नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करते हैं। चलिए फिर से मैंने सेटअप कर दूं, मैंने कहा दिस वन ऑब्जेक्ट के यहां पे मैंने फिर से
मैं कह लाइन कमांड दी, वो कह रहा स्पेसिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट। अब मैं 0.0 में मैं कहीं पे भी ज्योमेट्रिक लेयर पे क्लिक कर रहा हूं, अगेन एट द रेट 50.0, ये लीजिए उसने क्या कर दिया, एक 50.0 की लाइन वहां पे प्लेस कर। अब मैंने क्या, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को जाना है तो वहां पे मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं कह अगेन एट द रेट, एट द रेट द पॉइंट मीनिंग क्या हो गया कि ये जो मेरा पॉइंट है ये ओरिजिन बन गया। अब मैंने किस एक्सेस में जाना है, मैंने कहा सिर्फ वाई एक्सेस में, तो मैं सिर्फ वाई फिल करूंगा 0.50। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी एक्स की वैल्यू जीरो है और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मैं मूव कर रहा हूं, तो वहां पे मैंने क्या डाल दिया एट द रेट 0.50। एंड सेकेंड ऑप्शन में बताऊं कि फर्स्ट वाले का एंडिंग पॉइंट सेकेंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, तो जैसे मैंने एंटर किया ये लीजिए वहां पे मेरे पास 50L50 तो 0.50 का एक एलिमेंट बन गया। अब अगेन एट द रेट, अब मैंने नेगेटिव एक्स में मूव करना है तो देन अगेन -50.0, ये लीजिए अगेन मैं क्या एट द रेट 0.-50, मैंने माइनस वाई में जा रहा है एंटर, ये लीजिए कमांड से 12 और एस्केप, ठीक है जी। तो मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स बन गया, सेम ऑब्जेक्ट मैंने अपनी सेकंड ड्राइंग के अंदर सेटअप करूं कि मैंने कहा विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव रेक्टेंगुलर इस चीज को मैंने बनाना हो तो कैसे मैं बनाऊंगा, मैं कहा अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। तो मैंने सबसे पहले सेटअप किया लाइन कमांड दी, गो फॉर द लाइन, दिस वन टू क्रिएट द लाइन एट द रेट 60.0, अगेन एट द रेट 0.50। अब आपने यहां पे ये वैल्यू फिल करनी है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव हुई है, दिस वन इज ए 40, लेकिन दिस कॉल्ड इज द डायरेक्शन इज नेगेटिव, मैं कह -40.0, अगेन मैं कह एट द रेट 0.50, अगेन एट द रेट -20.0, अगेन एट द रेट 0.70, ये लीजिए सॉरी माइनस में देनी थी हमने, अगेन एट द रेट 0.-70, ये लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट डिफाइन हो, क्लियर हमें। तो इन द रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम रिलेशन यूज करते हैं एट द रेट एक्स कॉमा वाई, मैं रिपीट कर रहा हूं कि एट द रेट का मीनिंग क्या है, वो टेम्परेरी आपका ओरिजिन शिफ्ट करा, नॉट ए परमानेंट। यदि आपने एट द रेट नहीं डाला, मान लो कि आपने कहा कि एक स्क्वायर बॉक्स ही बना रहे थे, मैं कह एट द रेट कहीं पे पॉइंट पिक कर दिया अगेन 50.0, अगेन मैं कह एट द रेट 50.0 सॉरी एट द रेट, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड था, दिस वन ऑब्जेक्ट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एंगल कंसीडर किए जाते हैं, दिस वन टू पोलर दैट इज 0 degree, 90 degree, 180, और 270। ओके, 270 हमारे पास ये एंगल कंसीडर किया जाते हैं इन द पोलर। अब सबसे पहले मैं बात बताऊं कि इसमें हम जो रिलेशन यूज करते हैं, दिस वन टू रिलेशन इज एट द रेट एक्स कोमा अगेन, मैं क्या लाइन कमांड दी, सेटअप किया मैंने क्या अगेन, मैं स्क्वायर बॉक्स में एट द रेट लेंथ, मैंने कहा मेरे पास 50 है, मैंने इसी एलिमेंट पे चला गया, मैं कहा वापस इसी एलिमेंट पे जाता हूं, दिस वन ऑब्जेक्ट, यहां पे मैंने कहा मेरे पास इसी स्क्वायर बॉक्स को बनाना विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन द रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास रिलेशन क्या यूज होते हैं, मैं कह दिस वन टू रिलेशन एट द रेट
50 less than 0 degree. This angle is 0 degree. Again, मैंने कहा next coordinate at the rate 50 less than 90 degree. ये लीजिए, मैंने 90 degree पे element बनाना था. Again, at the rate 50 less than 180. So this one direction is 180. Again, मैं कहा at the rate 50 less than, shift less than आप डालोगे तो वहां पे आपके पास एंगल आ जाएगा 270. तो सेम चीज यदि मैंने ऑटोकैड पे डिफाइन करनी होती, लाइन कमांड दी, कहीं पे भी ज्योमेट्रिक रेंज पे क्लिक कर दिया, अब एट द रेट सेम ऑब्जेक्ट, एट द रेट का मीनिंग क्या है, जो आपने पॉइंट पिक किया दैट माइज इज ए ओरिजिन, दैट माइज ए ओरिजिन. अगेन एट द रेट 50 लेस देन 0 डिग्री, ये लीजिए 50 लेस देन 0. अगेन मैंने कहा फिर से कोऑर्डिनेट बनाना था, मैं अगेन एट द रेट 50 लेस देन 90 डिग्री, ये लीजिए अगेन 180, अगेन एट द रेट 50 लेस देन 270, ये लीजिए. तो इस मेथड के द्वारा मैं एक स्केयर बॉक्स बना, लेकिन मैंने कहा कि स्केयर बॉक्स तो मैं एब्सोल्यूट के साथ भी बना सकता हूं और मैं रिलेटिव ट्रायंगुलर के साथ बना सकता हूं. अब रिलेटिव पोलर मैं कहां पे यूज करूंगा, रिलेटिव पोलर जब हमारे पास एक एंगुलर वैल्यू गिवन हो, इसी के अंदर नीचे जाओगे बिल्कुल डाउनवर्ड, तो वहां पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट दिए होंगे. मैंने कहा पॉलीगन शेप बनानी है. पॉलीगन क्या होते हैं, जिसके मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 होते हैं और मैक्सिमम 1024 इन सॉफ्टवेयर, इन मैनुअल दैट इज एन नंबर ऑफ. तो मैंने कहा मैंने वहां पे एक हेक्सागन बनाना है, दिस इज टू हेक्सागन. तो हेक्सागन के नंबर ऑफ साइड कितनी है, दैट इज 6, और इसका एंगल कितने डिग्री होगा, दिस वन एंगल इज 60 डिग्री है, 30 डिग्री 60, ठीक है, दिस वन टू 60 डिग्री एंगल. तो इसका मतलब ये सभी इंक्रीमेंटल है, दैट इज 60 60 के हिसाब से. तो यदि मैं यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैंने कहा मेरे पास जो पॉलीगन है उसकी लेंथ क्या है, दैट इज लेंथ इज 60. मैंने कहा एट द रेट 60 लेस देन, एंगल कितने डिग्री है, मैंने कहा 60 डिग्री, ये लीजिए सॉरी, फर्स्ट लेंथ इज 0, मैं कहा एट द रेट 0, अगेन एट द रेट 60 लेस देन 60 डिग्री एंगल, ये देखियो 60 डिग्री एंगल पे लगा दिस एंगल, दिस वन एंगल इज 60 डिग्री. अगेन मैं कहा एट द रेट 60 लेस देन 120, अगेन मैं कहा एट द रेट 60 लेस देन 180, दिस वन टू इंक्रीमेंटल एंगल है 60 60, ऐड कर रहा हूं, अगेन एट द रेट 60 लेस देन 240, अगेन मैं कहा एट द रेट 60 लेस देन 300, ये लीजिए एक मेरे पास पॉलीगन शेप क्रिएट हो गई, ठीक है. ये मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एंगुलर वैल्यू गिवन हो, ठीक है. इसी तरह से मैं पेंटागन बनाना चाहता हूं, उसका एंगल कितना डिग्री होगा, दैट इज 72. ऑक्टागन बनाना चाहता हूं, उसका एंगल कितना डिग्री कैलकुलेट होगा, दैट इज 45 डिग्री एंगल, ठीक है. अब जो मेरे पास लास्ट मेथड है, दिस वन लास्ट मेथड इज पिक एंड गो, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, दैट इज अ पिक एंड गो. इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना पोलर ऑन करते, सॉरी ऑर्थो ऑन करते हैं, दैट कॉल्ड इज F8, F8, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस L. कंट्रोल L करते हो तब भी मेरा पोलर ऑन हो जाता है, ठीक है. अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारा ऑर्थो होता क्या है. ऑर्थो क्या है, इज अ स्ट्रेट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. प्लीज अपना मार्कर बंद कर दिए, ठीक है. पिक एंड गो में हम अपना पोलर ऑन करते हैं, ऑर्थो ऑन करते हैं, जिसमें जो लाइन है स्ट्रेट डायरेक्शन में ही लगेगी. जैसे अब अपना ऑर्थो ऑन करते हैं, कंट्रोल एल कर दो, प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए. ठीक है, अब इस केस में आप देखोगे कि जैसे मैंने अपना ऑर्थो ऑन किया, आपको कमांड लाइन पे दिख जाएगा, जैसे मैं कंट्रोल एल करता हूं, ये दैट इज ऑर्थो ऑफ, अगेन मैंने यहीं से ऑर्थो ऑन कर दिया. अब आपको लाइन जो है हमेशा जो माता को खाना ले आ दे,
हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही असाइन होगी। जैसे मैंने लाइन कमांड यूज की, गो फॉर द लाइन, मैंने स्क्वायर बॉक्स बना, अब आपको कोई भी एट द रेट कुछ भी डालने जो, जैसे आप अपना ऑर्थो ऑन करते हो, F8 और कंट्रोल L इज ए शॉर्टकट की फॉर द ऑर्थो। आप जैसे अपनी स्क्रीन पे कहीं पर भी क्लिक करते हो, अब मेरे को सिस्टम को बताने की जरूरत नहीं है, दिस माइट ओरिजिन एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो उसी डायरेक्शन में आप अपना कर्सर मूव करोगे, फिल द वैल्यू 50, ये लीजिए 50 की वैल्यू लग गई। अब आप चाहते हो ऊपर आई डायरेक्शन में जाना, जस्ट कर्सर मूव ऑन द अपवर्ड एंड अगेन 50, अगेन मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में अगेन 50, मैंने डाउनवर्ड आना, देन अगेन इज ए 50। दैट इज द सबसे बेस्ट मेथड है, दैट इज अ पिक एंड गो, जिसमें हम अपना ऑर्थो ऑन करते हैं और अपनी डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं और वैल्यू। सेम मैंने सेकंड एग्जांपल फिर से बनाऊं, मैं कहता हूं दैट इज 60, ऊपर ही डायरेक्शन में कितना है, मैं कहता हूं 20, इसी डायरेक्शन में मैंने कहा 40, अगेन ऊपर ही डायरेक्शन में कितना है, मैं कहता हूं 50, दिस डायरेक्शन इज 20 एंड दिस वन डाउन डायरेक्शन इज 70। ये लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट बन, क्लियर है हमें? क्या आप इसके साथ कुछ भी फर्स्ट वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक और ड्राइंग सेटअप कर दूं, ये लीजिए ये वाली, दिस माय टू सेकंड डायरेक्शन, सेकंड ड्राइंग, ठीक है, मैंने कहा ये मेरे पास सेकंड ड्राइंग है, इस ड्राइंग को यदि मैंने बनाना होता विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव और पिक एंड गो के साथ, दिस वन ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग जो मेरे पास, ठीक है, जो मेरा रेड मार्कर दिख रहा है, हाँ यस, इस मार्कर को आप देखोगे तो इसको मैंने यदि बनाना होता तो किस तरह से बनाऊंगा, तो मैंने कहा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट इसको कैसे डिजाइन करूं, मैं कह इज अ 120, दिस वन वैल्यू इज 120 मेरे पास गिवन है, दिस वन वैल्यू इज 120, अपवर्ड इज 30, अगेन दिस वन एंड दिस वन, ये स्लांट वैल्यू उसे दी है 15 15 की, दिस वन 45, दिस वन अगेन 15 एंड 15 स्लांट वैल्यू एंड दैट इज 45। तो इसको यदि मैंने ऑटो कैड में ड्रॉ करना होता तो कैसे ड्रॉ करूं विद द हेल्प ऑफ पिक एंड गो और रिलेटिव मेथड। तो मैंने कहा यहीं से मैंने अपना ऑर्थो ऑन कर दिया, बेटा वही बता रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने कहा लाइन कमांड दी, सिलेक्ट दिस लाइन, एल एंटर किया मैंने, सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट, मेरा ऑर्थो ऑन है, F8 के साथ मैं अपना ऑर्थो ऑन कर दिया, अगेन मैं कहा देयर इज 120, अगेन अपवर्ड, मैं कहा दिस वन टू ऑब्जेक्ट 120, मैंने कहा इसी के साथ मैंने अपवर्ड जाना, दैट इज 30। अब वहां पे वो स्लांट लाइन दे रहा है, लेकिन जब आपका ऑर्थो ऑन होता है आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लगेगी, स्ट्रेट एंगल, लेकिन किसे एंगल पे लगेगी। अब मैंने मेथड क्या यूज किया, रिलेटिव रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट सिस्टम एट द रेट, एंगल नहीं गिवन बेटा, हमारे पास लीनियर डायरेक्शन गिवन है, तो मैंने कहा एट द रेट -15, 15, ये देखिए, तो मेरे पास x 15 है नेगेटिव में और y पॉजिटिव है 15 में, जैसे आप क्लिक करते हो ये देखिए स्लॉट लाइन लग गई। यहां पे मैंने मेथड यूज किया रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगेन मैंने कहा आगे की वैल्यू 45 है, फिर से मैंने कहा एंगल मेथड यूज करना एट द रेट -15, -15, इस टाइम मेरे पास x और y दोनों ही नेगेटिव है, ये लीजिए अगेन मैं किसी डायरेक्शन में 45, अगेन मैं कहता हूं दिस वन डाउनवर्ड 30, ये लीजिए। तो मैंने पिक एंड गो और रिलेटिव ट्रायंगुलर के साथ इस ड्राइंग को सबमिट कर लिया। जो आज का आपका टास्क है वो क्या है, आपने सबसे पहले जो मेरे पास पेज 3 है, ये 3 पेज दिए हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको आपने ट्राई करना है एब्सोल्यूट के साथ, और उसके बाद जितनी भी ये ड्राइंग्स है इसको आपने एब्सोल्यूट, रिलेटिव रेक्टेंगुलर और रिलेटिव पोलर और पिक एंड गो इनके साथ अपने बनाना है, ठीक है। एब्सोल्यूट पे चाहे आप एक ही ड्राइंग कर लीजिए, उसके बाद बाकी की जितनी भी ड्राइंग है आपने एब्सोल्यूट के साथ, बेटा जय हिंद बाद में करेंगे हम, अभी ऑफ नहीं हुआ मेरा, ठीक है,
तो ये असाइनमेंट आज आपने 6 बजे तक मेरे को सबमिट करवानी है, जिस मेल आईडी पे आपने इसको भेजना है, जिस माय टू मेल आईडी, मैं आपको मेल आईडी वहां पे शेयर कर दूं, जिस मेल आईडी पे आपने मेरे को मेल करना है, ये मेल आईडी है जिस पे आपने इन सभी को शेयर करना है, summertrainingmcp@gmail.com, ठीक है। इस मेल आईडी पे आपने अपने नाम और रोल नंबर, नहीं तो बेटा बाद में करेंगे ना, नहीं देनी तो कोई बात नहीं बेटा, आपका नंबर उसी हिसाब से लगेंगे, ठीक है जी। अब अपनी summertrainingmcp@gmail पे 6 बजे आपने जो भी, आज मैंने 3 पेज की आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आज हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम किए हैं उनके बेसिस पे आपने सबमिट करना है। जब भी आपने अपनी मेल करनी है तो मेरे को अपनी मेल के साथ आपका नाम और रोल नंबर, और जिनके दो नाम है, बाकी कईयों के दो नाम, तो अपने फादर नेम साथ में हमें भेजेगा। मैंने ये ऐसे लिस्ट बना के रखी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ, दिस इज टू लिस्ट, जो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ट्रेनिंग में एनरोल है इनकी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे है, इनके साथ से डेली वाइज इनकी वैल्यूएशन होगी और उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे। तो ये मार्क्स एट द एंड आपके जो HOD है उनको सबमिट करवाए जाएंगे। तो जो बंदा अपनी असाइनमेंट नहीं देगा उसके मार्क्स में कंसीडर नहीं करूंगा और उसकी टेंडर्स भी कंसीडर नहीं होगी। क्लियर? सो आज का मैं सेशन ओवर करता हूं। इसी सेशन की जो एनी को डाउट होगा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और उसका लिंक आपको भेज दूंगा। इन बीच में आपको कोई इश्यू आता है तो आप उस पर देख सकते हो। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूं। ओके बेटा, गुड गुड मॉर्निंग अगेन, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर। Okay.